हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपने जो अभी अपनी स्क्रीन पे देखा, जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है जो कि 2024 में ही आई है, मतलब एक से दो दिन पहले ही आई है। यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ITI डिप्लोमा और BTech का रहने वाला है, जिसमें डिप्लोमा और ITI की सैलरी इतनी पहुँचने वाली है और BTech की इतनी। ये बिल्कुल सच है। इसके साथ साथ यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्ट हायरिंग है और ये फ्रेशर्स के लिए भी है। लेकिन ये फ्रेशर्स के लिए कैसे हो सकती है वो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आ पाएगी। ये मैं आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी दिखा देता हूँ, उसके बाद करेंगे आगे बात। ये जिंदल एंड स्टील एंड पावर की तरफ से दो नोटिफिकेशन आए हैं, बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन हैं। अगर आप ये लिंक पे जाके क्लिक करते हैं तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले कर लेते हैं आपके लिए काम की बात। दोस्तों जिंदल के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट देता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं बंदों से बोलना चाहता हूँ जो सब्सक्राइब का बटन तो फ्री है ना, दबाने में कितना ही टाइम लगेगा, आप वो दबाते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपको जॉब चाहिए तो ऐसे ही थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हमें भी चाहिए, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वैकेंसी बहुत ही खास रहने वाली है। इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक मेरे को टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, याद से फॉलो कर ले। और कोई एग्जाम नहीं होने वाला है इस वैकेंसी में, वहां से फॉलो करने के बाद अपना CV जरूर भेज दे। अब बात आई वैकेंसी की, दोस्तों वैकेंसी बहुत सारी आ चुकी हैं। आपके लिए आई है तो आपको ही अप्लाई करना है। चलिए अब कर लेते हैं वैकेंसी की बात। ये जो वैकेंसी आई है ये हेमंत सिन्हा जी हैं, जो टैलेंट एक्विजिशन है, जो जिंदल स्टील एंड पावर में है। और इन्होंने बोला है कि हमें JSPL के लिए, मतलब जिंदल स्टील एंड पावर के लिए, बहुत ही डायनेमिक स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। कौन कौन चाहिए, इन्होंने दो सीट इसमें डाली है। बात कर लेते हैं इसके अप्लाई करने की। और जो बंदे ये सोच रहे हैं कि आप फ्रेशर एलिजिबल नहीं हैं, उनको मैं वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ फ्रेशर भी एलिजिबल हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी आई है, तो गलती से भी इसमें थोड़ी सी भी गलती ना कर दें, CV ज़रूर देख लें। 90% स्टूडेंट एक गलती कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपना CV सही नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, CV सही। कैसे सही होगा, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपका CV फॉर्मेट अच्छा है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, वो मैंने हर एक वीडियो में बताया है। दोस्तों आप सभी के लिए मैंने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जाके ज़रूर देख लें। वो आपकी जॉब लगवा सकता है, वो CV से रिलेटेड है। वहाँ फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, हर एक ब्रांचेस के लिए CV है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इन्होंने ये जो दो नोटिफिकेशन डाले हैं, जो इनके ऑफिशियल ग्रुप से आए हैं, और इन्होंने बोला है कि फॉरग्रिड रेल प्लांट के लिए ये वैकेंसी रहेगी कहां। दोस्तों इन्होंने बोला है कि आपकी जो है रायगढ़, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ में रह सकती है, बट ये पोर्टफोलियो जो है ऑल इंडिया के लिए है, मतलब पैन इंडिया के लिए है। तो पैन मतलब प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, नेशन के अंडर आपकी वैकेंसी कहीं भी रह सकती है, मतलब पैन इंडिया। अब इसमें क्या क्या गया, सबसे पहले मिलिंग मशीन ऑपरेटर, जिसमें जॉब कोड है RPF 03, जिसमें मैकेनिकल टूल डाई एंड फिटर एंड टर्नर। और यहाँ क्या क्या मांगा गया है, देखिए इसमें डिप्लोमा और ITI वाले मांगे गए हैं, और एक्सपीरियंस लिखा है इसमें 2 to 6। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 2 to 6 ईयर एक्सपीरियंस ये लिखा है। लेकिन मैं आपको वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो फ्रेशर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के, तो इसीलिए ध्यान से पूरा देखिएगा। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, देखिए ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेल पार्ट ड्राइंग। अगर यहाँ कैसा इंटरव्यू होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इनका रिवर्ट आ जाता है, कैसा इंटरव्यू होगा, अगर उससे रिलेटेड भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों दूसरी वैकेंसी क्या है, स्टेटिंग प्रेस एंड बैंड सॉ ऑपरेटर, जिसमें डिप्लोमा और ITI वाले ही एलिजिबल है, जिसमें सेम क्राइटेरिया दिया हुआ है। लेकिन ये किसके लिए है, याद रखिए ये है सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जो दूसरी वैकेंसी है। फिर आप बोलेंगे कि एक्सपीरियंस तो 2 to 6 ईयर्स लिखा है, नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, जो आपको मैं दिखा दूँ, जो इनका दूसरा नोटिफिकेशन है जो आपके लिए खास रहने वाला है, इन्होंने बोला है फॉरग्रिड रेल प्लांट के लिए क्वालिटी इंजीनियर
की भी जरूरत है, क्वालिटी इंजीनियर्स की भी जरूरत है, जिसमें बीई बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल और मेटलर्जी वाले यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ भी इन्होंने बोला है कि 2 से 10 साल के लिए चाहिए, लेकिन 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 आप फिर बोलेंगे यहाँ तो एक्सपीरियंस मांगा है। नहीं मांगा है भाई, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है वो इन्होंने मैंशन कर दी है, ज़्यादा कुछ नहीं है आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा कि फ्रेशर कैसे अप्लाई करने हैं। बात करने थे हैं इन वैकेंसी को अप्लाई करने की, जो तीनों जहां आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक तीनों एलिजिबल हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है। देखिए इन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है कि यहां आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल है तो यहां एक छोटा सा एरर आएगा, उस एरर को काउंट करते हुए आप आगे बढ़ जाइएगा। बट मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने वेबसाइट पर, जहां से आप इजीली देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही ये फॉर्म खुलेगा आपको इस तरीके का एक शीट नजर आएगी। सबसे पहले आपको क्या मेंशन कर देना है, ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी। नेक्स्ट आ गया अपलोड योर रिज्यूम। 90% बंदे यहीं से आउट हो जाएंगे और यहीं से उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम सुधारेंगे नहीं और दूसरे को ब्लेम करेंगे, कोई भी किसी को भी। याद रखिए अगर आप अपना सीवी में पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखेंगे, जो कि मैंने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, अरे डबल स्पीड पर करके देख लीजिए उस वीडियो को, एक बार देख तो लीजिए, आप ही की किस्मत चमक सकती है। अगर आप देखेंगे तो आप ही का बेनिफिट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जॉब एप्लीकेशन नंबर कहाँ से आएगा, जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे 8 वैकेंसी के लिए जॉब निकली हुई है तो मेरे हिसाब से आप सभी में अप्लाई कर दीजिएगा अलग अलग मेल आई डी से। फिर आ गया आपका नेम, नेक्स्ट आ गया आपका मोबाइल नंबर, फिर आ गया अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल आईडी दोबारा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए भी है, बीटेक वालों के लिए भी है, जो भी है। इसके साथ साथ अब आप बोलेंगे ब्रांचेस में भी सिविल से लेके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। ईयर ऑफ पासिंग, देखिए मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, 2024 वालों का भी इन्होंने क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन 2024 को मैं रेडी नहीं करूँगा। स्टडी मोड फुल टाइम। अब एज लिखने के बाद आपको यहाँ एक छोटा सा कॉलम देगा, आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस। अब शायद समझ में आ गया होगा कि फ्रेशर वाले एलिजिबल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चूज पे जाके खाली फ्रेशर पे क्लिक कर देना है। और फ्रेशर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी जो रिक्वेस्ट आपने डाल रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे ही आप फ्रेशर पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट में आपसे आपका डाटा, आपके क्वालिफिकेशन, कवर लेटर मांगेगा। कवर लेटर क्या होता है? अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी। दैट मीन्स कवर लेटर कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ऐसी वीडियो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करके आगे बढ़ जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।